नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई लेबर लॉ के रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये दुबई से रिलेटेड हम बात करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हो सकता है। आप चाहे इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप दुबई यूएई में बैठे हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हैं, अगर आप दुबई में बैठे हैं या आप दुबई जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बात बताने की कोशिश करूँगा दुबई का लेबर लॉ क्या बोलता है, आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं क्या। जी हाँ, यानी एक तरह से कंपनी चेंज कर सकते हैं क्या, या वीज़ा चेंज करने कर सकते हैं क्या, सेम कंडीशन ही है। इस पे टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसमें क्या हालात ऐसे बन जाते हैं, क्या आपके पास ऐसे पावर आ जाते हैं कि इस पे वजह से आप अपना वीज़ा दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मान लीजिए आप दुबई में रह रहे हैं, आपको वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रीज़न होते हैं। रीज़न क्या होते हैं मैं बता दूँ कि नियुक्ता या कंपनी, आपका जो मालिक है, आपकी जो कंपनी है, वो आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रही है, बकाया है या देना नहीं चाहता, ठीक है, या कंपनी बंद होने वाली है, दिवालिया कंपनी होने वाली है, ये रीज़न हो सकते हैं, या उसमें काम नहीं है। इन सब कंडीशन में आप वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, यानी कंपनी छोड़ना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो यूए का जो लेबर लॉ है 1980, जी हाँ साथी, 1980 का एक्ट 8 में ये प्रावधान किया गया है दुबई के लेबर लॉ के हिसाब से। जी हाँ, इसमें जो कानून बनाया था यूए सरकार ने, बता दूँ 2015 में, जी हाँ 2015 में जो एक्ट है 766 में नियम और शर्तें बताई गई थी, भाई कौन सा शर्त है, ये कौन सी कंडीशन है, इस वजह से आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिना सूचना दिए, अगर आप अपने मालिक को बिना सूचना दिए भी जॉब चेंज छोड़ सकते हैं, कहने का मतलब जॉब छोड़ सकते, कर्मचारी अपने नियुक्ता को या अपनी कंपनी को सूचना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको बिना बोले जॉब छोड़ सकते हैं। इसका रीज़न क्या है मैं बता दूँ, मेन रीज़न क्या है, एक्ट है जो 1-1 में, जी हाँ 1980 का जो एक्ट है उसके अनुसार निम्नलिखित कुछ कारण हैं, इस वजह से आप बिना बताए जॉब छोड़ सकते हैं अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनने की बात है, अगर नियुक्ता कंपनी वर्कर के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है, समझ रहे हो आपको, यानी आपका मालिक है, आपकी कंपनी है, आपका जो अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट में आपकी जो शर्तें हुई थी, ऐसा अग्रीमेंट होता है आप सबको पता है, उसमें शर्तें होती हैं कि आपको इतने घंटे ड्यूटी करनी है, इतनी तनख्वाह मिलेगी, या ओवर टाइम आपको इस तरह से मिलेगा, छुट्टी आपकी इतनी मिलेगी, इतने टाइम का आपका वीज़ा रहेगा, वगैरह वगैरह जो भी है, आपको रहना ये मिलेगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस ये मिलेगा, आपको अकोमोडेशन, आपका फूड वगैरह सब कुछ बातें उसमें लिखी होती है। अगर वो दुबई लेबर लॉ के हिसाब से आपका पूरा वो दायित्व नहीं निभा पा रहा है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने आपको मारा, उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपको धमकी दी। जी हाँ साथियों, आपको मारना पीटना धमकी देना ये सबसे बड़ा रीज़न है, इस वजह से आप बिना बताए भी जॉब उनका छोड़ सकते हो, उस कंपनी के साथ आप अग्रीमेंट अपना मतलब एक तरह से डिसमिस कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये नहीं कि आप वहाँ से भाग गए, भागने से तो कोई समाधान नहीं होगा, आपको इसके लिए करना क्या होगा मैं बता दूँ, इसकी आपको शिकायत करनी पड़ेगी, अगर आप इस झमेले से निकलना चाहते हैं तो इसकी शिकायत करनी पड़ेगी दुबई हेल्थ केयर सिटी अथॉरिटी की सुरक्षा, जी हाँ CPU जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट तरीके से CPU, दुबई हेल्थ केयर सिटी अथॉरिटी की सुरक्षा इकाई CPU में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं लिखित में, और अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस लगा सकते हैं कि मेरे पास ये घटना हुई है, मुझे यहाँ पे असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है, असुरक्षित हूँ मैं, इसलिए इस कंपनी का मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, दूसरी जगह जॉब करना चाहता हूँ। जी हाँ, वहाँ पे शिकायत होने के बाद भी अगर आपका नियुक्ता, आपकी कंपनी आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाता है, ठीक है, या अपनी कानूनी अपनी दायित्व अपना दुबई का लेबर लॉ को कंप्लीट नहीं कर पाता है, या फिर 60 दिन तक वो आपको सैलरी नहीं दे पाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद रखे, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं 2 महीने तक उन्होंने आपको सैलरी नहीं दी, आपकी सैलरी पेंडिंग पड़ी है, तो आप उनको बिना बताए वो जॉब छोड़ सकते हैं, आपके पास पूरे सुरक्षा पूरे अधिकार हैं, पूरा दुबई लेबर लॉ आपके साथ है, इसके लिए आपको शिकायत CPO में जरूर करनी पड़ेगी ताकि आपका पक्ष रहे, आप उसी वीज़ा से उसी पासपोर्ट से दूसरी जगह आप जॉब करने के लायक हो जाओ, ठीक है, ताकि वहाँ से आपको NOC भी फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी शिकायत होने के बाद में। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, रोज मैं दुबई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग वीडियो जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।